मित्रों, स्वागत है आपका। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नथुराम गोडसे की अस्थियां आज भी महफूज रखी गई है। सवाल ये है कि क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह, जानते हैं इस वीडियो में। 1948 में भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और हत्या नथुराम गोडसे ने की। उसने अपनी पिस्तौल से एक के बाद एक तीन गोलियां गांधी जी के शरीर में उतार दी थी। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नथुराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर एक साल से भी अधिक समय तक मुकदमा चला। इस दौरान उसने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने अदालत में कहा था, गांधी जी ने जो देश की सेवा की है उसका मैं आदर करता हूँ और इसलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में झुका भी था, लेकिन उन्होंने अखंड भारत के दो टुकड़े कराए इसलिए मैंने उन्हें गोली मारी। आखिरकार 8 नवंबर 1949 को अदालत ने नथुराम गोडसे को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इसके बाद 15 नवंबर 1949 को उसे अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले नथुराम गोडसे के एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा था और दूसरे हाथ में भगवा झंडा था। कहा जाता है कि फांसी का फंदा पहनाए जाने से पहले नथुराम गोडसे ने नमस्ते सदा वस्तले कहा था और साथ ही नारे भी लगाए थे। शायद आप न जानते हो, लेकिन नथुराम गोडसे की अस्थियां आज तक नदी में प्रवाहित नहीं की गई है। वो पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित एक इमारत के कमरे में सुरक्षित रखी हुई है। उस कमरे में नथुराम गोडसे के अस्थि कलश के अलावा उसके कुछ कपड़े और हाथ से लिखे नोट्स भी संभाल कर रखे गए हैं। नथुराम गोडसे की एक अंतिम इच्छा थी और इसीलिए उनके परिवार ने आज तक उनकी अस्थियों को नदी में नहीं बहाया, बल्कि उसे एक चांदी के कलश में सुरक्षित रखा गया। नथुराम गोडसे ने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर अपने परिवार वालों से कहा था कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक कि सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में समाहित न हो जाए और फिर से अखंड भारत का निर्माण न हो जाए। ये सपना पूरा हो जाने के बाद ही मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित कर दी जाए। यही वजह है कि नथुराम गोडसे के परिवार ने आज तक उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा है और उनका सपना पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।